वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज के अस सीखे में एक ऐसा आर्ट सीख रहे हैं जिसका नाम मुझे सही से याद नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट डिलिशियस की ओनर यास्मीन अंसारी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक। यास्मीन, आपने मुझे करेक्ट किया था कि रीजन आर्ट नहीं, हम कौन सा आर्ट सीखने वाले? डेको पांच। अच्छा, ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर हम जरा एक्सप्लेन भी करवाएंगे इनसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इतने खूबसूरत एंटीक लुकिंग पीसेस हैं। ये बॉक्स है, वॉल आर्ट है यहाँ पे। ये इज इट अ बॉटल और अ जार? जी, बॉटल। बॉटल्स हैं, इसके अलावा आई थिंक ये कार्ड होल्डर है, और वो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे थे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की याद आ गई, ऐसा लगता है सी में से ये चीज़ें निकलेंगी। ये वाली जो बॉटल है, इस तरह से ये खूबसूरत सी सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आर्ट आप कह रही हैं, व्हाट इज़ दिस आर्ट? इट्स बेसिकली डन विद टिश्यू पेपर्स, या फैब्रिक से भी कर सकते हैं। ओके। और राइस पेपर होता है। ओके। तो ये हम जो है वुड पे भी कर सकते हैं, ग्लास पे भी करते हैं, और फैब्रिक पे भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब मैं आपको दिखाऊँ। हाँ, दिखाएं। इसके ना जैसे ये नैपकिन है। अच्छा, ये टिश्यू पेपर का आर्ट है? टिश्यू पेपर आर्ट है जी जी। और बहुत ही डेलिकेट होता है ये, और बहुत ही। तो ये शीट्स कहाँ से मिलती हैं यास्मीन? अब तो यहाँ मिलने भी लगी हैं। हाँ? पहले मतलब मैं तो खैर इंपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ भी अब मिलने लगी हैं। नहीं होती तो फिर ऑनलाइन यहाँ पे हैश बिजनेस हैं जो लोग इसको सेल करते हैं। किस नाम से मिलती हैं ये शीट्स? ये जो है ये तो नैपकिन्स है, ये राइस पेपर्स हैं। ठीक है, ये राइस पेपर्स हैं जी। ये थोड़ा सा नैपकिन से ठीक होता है, लेकिन बहुत ही बारीक होता है। आप इसको लगाएंगे जब ग्लू से पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा, ये देखिए राइस पेपर, वाकई ये बहुत ही लाइट सा है, और डेफिनेटली एक बड़ा एक है ना, वो ध्यान से करने वाला जी, बहुत। हाँ, जरा सा ग्लू लग के पानी से ये खराब हो सकता है। ओके, अच्छा, इसमें भी ये टिश्यू नैपकिन जो होते हैं, इसकी भी हम वन प्लाई, जो फर्स्ट प्लाई है ना, बस वही लेते हैं। ये थ्री प्लाई का होता है, तो इसमें से जो बस बिल्कुल फर्स्ट शीट होती है वो लेते हैं। अभी ये तीन शीट्स हैं आपके हाथ में? जी जी, तीन शीट्स हैं। ओह रियली? अच्छा, इन तीन शीट्स में मतलब, सॉरी, टिश्यू पेपर में तीन, हमारे जो टिश्यू नॉर्मल होते हैं वो दो होते हैं ना, तीन होते हैं। अच्छा, तो हम इसका तरीका होता है ये करके सही प्लाई निकालते हैं। ओके, बड़े बड़े ध्यान से देखने वाला काम है, हाथ गीला करके। हाँ, हाथ, ये टेक्निक होती है कि हल्का सा हाथ गीला करें और फिर ये आप निकाल लें। बड़े तो ध्यान से करने वाला काम है। और ये टू है, ये काम नहीं आती, लेकिन ये हम बाद में किसी यूज़ में कर सकते हैं। जैसे हमें अगर बेस वाइट चाहिए तो उस पर हम ये लगा सकते हैं इसका। और ये वर्क होता है, हमें जो पार्ट चाहिए वो हम कट करके फिर करते हैं। अच्छा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यास्मीन क्या बनाएंगी। सो बेसिकली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बॉटल, और ये बॉटल आपको बनानी सिखाएंगी यास्मीन इस बॉटल से। अच्छा, ये कॉफी बॉटल है। कॉफी बॉटल, क्या बात है। आप जो भी घर में बॉटल्स हैं उनको फेंके नहीं, परफ्यूम की बॉटल्स है, कुछ भी, जैसे ये थी ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, तो ये इसको मैंने अपसाइकिल कर लिया। जबरदस्त, हर चीज यूज में ला सकते हैं। यूज में ला सकते हैं, आज यास्मीन से सीखेंगे, कोई भी चीज जाया हम नहीं करेंगे। ये कॉफी बॉटल से किस तरह आप ये बना सकते हैं, दिखाते हैं आपको। अच्छा, पहले तो हम देखेंगे हमें क्या डिज़ाइन करना है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मोटिव फ्रंट पे, एक मोटिव बैक पे, तो उसको हम करने के लिए थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे इसमें से ले लेते हैं, ये बॉटल में जरा अपने पास रख लेती हूँ ताकि हमें कैमरे में आसानी हो जाए देखने में। अब जैसे ये स्क्वायर्स हैं, तो हम ये लेके इसको हम हाथ से ही कट करेंगे, सीजर से इसलिए नहीं करते, फिर वो फाइन एजेस आ जाते हैं। तो इसकी टेक्निक होती है कि आप इसको हाथ से करें, और नैपकिन में ये होता है कि हम हल्का सा ब्रश गीला करके उसके जो थोड़ा सा एजेस पे हम लगाते हैं, फिर उसको आराम से टियर करेंगे वो आराम से। अच्छा, ओके। और अगर हम सीजर से करेंगे तो फिर एक आपको लगेगा ये तो भाई चिपकाया, भाई कोई स्टिकर चिपकाया हुआ है। अच्छा, आप देखिए ये सब चीज़ें आप फील करें हाथ लगा के, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा पेंट हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो कह रही है ना यास्मीन, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ से वो एक बिल्कुल सीजर कट नहीं आ रहा, बिल्कुल शार्प सा कट नहीं आ रहा। वाओ, ये तो बड़ी एक अनोखी इंटरेस्टिंग चीज़ है हाथ से करने। इसका मतलब है कि बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है। ठीक है, आप कब से कर रही हैं? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल से ऑनलाइन रन कर रही हूँ। वैसे तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बचपन से ही कहते हैं ना शौक था, तो कुछ ना कुछ घर में तो बनाती रहती थी। अच्छा, आर्ट डिलिशियस के पेज पे आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकती हैं इनसे। ठीक है, वाओ, सो ब्यूटीफुल। आपने कभी कोई जिस तरह से वो आउटलेट्स होते हैं या डिफरेंट एग्जीबिशंस में लोग लगाते हैं अपनी सारी चीजें? एग्जीबिशंस तो होती रहती हैं हमारे, ये फायरफ्लाई है बरा मुसविर का, उनके इरम मुनीर हैं, उनके एग्जीबिशंस वो होस्ट करती हैं। ठीक है, तो सारे क्राफ्टर्स ही, जो भी हैंडमेड क्राफ्टर्स हैं जो भी, सब वही लोग होते हैं उसमें। ये होता है, ये नहीं होता कि आप बाहर से लेके कोई चीज उसमें डिस्प्ले करें, अपना हुनर आपको शो करना होता है। क्या बात है जी। और वैसे
जगह और शॉप्स वगैरह पे भी रखवा सकते हैं। मैंने ये नोट किया है कि कोविड के बाद स्पेशली ना हम बिल्कुल भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी हो गए हैं कि इतना टैलेंट अब हमें नजर आ रहा होता है। बहुत है, इतना है कि हम मतलब नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे इन्होंने हाथ से ये दो कटिंग्स निकालनी है, मैं आपको दिखा दूँ। और ठीक है, अब हमें उसका इस पर मार्क कर लेंगे जो हमें। अच्छा ये मार्क कर रही हैं अब इसको, और ये बॉटल ऐसी होने वाली है। स्क्वायर इसमें बड़ा हो रहा है। मैं आपकी हेल्प करूं किसी चीज़ को? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ मुझे मोटिव थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अच्छा तो बस मार्किंग कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि ये जो हम डेकोपाज करते हैं उसके नीचे हमें जो हम मोटिव लगा रहे हैं उसका बेस वाइट होना चाहिए। ओके, फिर ही वो नजर आएगा आपको। अगर हम डार्क पे लगा देंगे तो फिर वो नजर नहीं आएगा। तो वाइट जो आप कह रही थी, दूसरा वाला एक्स्ट्रा पेपर जो आपने नीचे से निकाला था, वो भी लग सकता है इस पे? वो लग सकता है, लेकिन अभी मैं तो इसमें वाइट पेंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, सही। ओके, पहले ये लगेगा, फिर ये वाइट पेंट होगा। मीनवाइल मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, दिस बॉक्स इज सो ब्यूटीफुल। ऐसी कोई चीज़ आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें, उसमें यू नो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। एंड अच्छा मज़े की बात यह कि इस बॉक्स अंदर से तो है ही प्यारा, लेकिन ये जो साइड्स है ना, ये बड़ी खूबसूरत है इस बॉक्स की। ये जो पियानो बना हुआ है, सो ब्यूटीफुल। सो हाँ, ये असल में बैले डांसर थी, तो फिर मैंने कहा वो उसके साथ में म्यूजिक को ऐड करूँ तो वो ज़रा अच्छा लगेगा। अच्छा ये पेंट्स वही एक्रेलिक वाले यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, एनी कंपनी एनीथिंग एक्रेलिक? हाँ कोई भी एक्रेलिक। ठीक है, सही है। सो ये पेंट हो रहा है एक्रेलिक का, ये कोई ग्लास के लिए कोई अलग पेंट नहीं है, वही पेंट है जो हम कर रहे होते हैं नॉर्मल पेंटिंग में। असल में ये तो सिर्फ मोटिव है, हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। मना अगर जैसे बॉक्सेस पे करती हूँ तो नीचे एक प्राइमर लगाते हैं, फिर उसके बाद प्राइमर भी कलर ही होता है, वाइट कलर ही। ब्लैक में भी आता है, जैसे ये ब्लैक प्राइमर है अभी मैं ये यूज़ करूँगी। तो प्राइमर पेंट होता है क्या? जी जी, ऑलमोस्ट पेंट होता है, लेकिन अच्छा। वो बेस होता है, क्योंकि वुड जो है वो एब्जॉर्ब करती है ना कलर। सही। तो प्राइमर से ये होता है कि उसके पोर्स पहले बंद हो जाते हैं, फिर हमें ज़्यादा पेंट यूज़ नहीं करना पड़ता दूसरा। अच्छा, तीन चार कोट नहीं करने पड़ते। अच्छा, सही सही सही, बिल्कुल एक मैट अच्छा सा। जी जी, फिनेस वाला लुक आ जाता है। यहाँ पे इनके पास कुछ बोल्ड्स भी हैं, स्टेंसिल्स भी हैं, वो भी मैं देखूँगी कि किस वजह से ये यूज़ होती हैं। अच्छा यहाँ से मैं चाहती हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा अगर मैं इस बॉटल को पकड़ूँ इस तरह और आप पेंट करें, ताकि और मैंने पेंट लगा लिया अपने हाथ पे। हाँ कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये पेंट हो रहा है, इसके ऊपर ये मोटिव्स लगेंगे। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर ब्रेक से वापस आने के बाद ना मजीद काम होगा, एंड इवेंचुअली ये जो बॉटल है ये इस तरह से लगेगी। ये इस प्रोसेस तक कैसे आएगी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये काम तो अपना आपको करके दिखाएंगी, मैं दिखाना चाहती हूँ उससे पहले कि इतने खूबसूरत इनके पास ये यू नो इनके पास ये पीसेज हैं कि जिसको आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, या कॉस्मेटिक रख सकते हैं, परफ्यूम्स रख सकते हैं, दैट इज़ अ वॉल हैंगिंग। वो वहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ से ज़रा साइड पे करती हूँ, ज़रा आप इसको भी देखें कितना खूबसूरत है ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए। अच्छा इसमें भी चीज़ें रख सकते हैं? की होल्डर, नेकलेस भी रख सकते हैं, की होल्डर भी, की होल्डर अंदर इसके वो नॉब्स, सो ब्यूटीफुल। और ये वो बॉटल्स हैं जो कि आप अब साइकिल रिसाइकिल कर सकते हैं। अच्छा अब झटपट जल्दी से हम आ जाते हैं हमारे काम की तरफ। अच्छा मैं ये दिखा दूं कि यास्मीन ना आपको इस तरह से ये जो कैप बनाया हुआ है ना, उन्होंने ये कैप बना के दिखाएंगे यहाँ पे। अच्छा ये नॉर्मल जो एयर ड्राई के लिए होती है वो यूज़ करनी है, बच्चों वाली नहीं होती, वो दूसरी होती है, वो तो जल्दी एयर ड्राई होती है। ये स्कल्पी की है या डार्स की या किसी भी अच्छे कंपनी की आप ले लें। ये जो ऊपर मोटिव है वो हम इसमें मोल्ड में डाल के ये देखें, ये मोटिव है ना, ये वही कॉफ़ी की बॉटल है जो बता रही थी यास्मीन आपको, इसी को अब साइकिल करना है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों वाला नहीं ले सकते, राइट? ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अच्छा। तो ये खास इसी वर्क के लिए होती है। और इसका नाम क्या होता है? ये स्कल्पी क्ले होती है, स्कल्पी क्ले, एयर ड्राई क्ले होती है। ठीक है जी, स्कल्पी क्ले है, मोल्ड्स इनके पास हैं। अब बस ये हमने बनाया और ये मोल्ड वैसे पाकिस्तान में मिल जाते हैं? जी जी, अब मिलने लगे हैं, काफ़ी मिल जाते हैं। ये इन्होंने इससे निकाले, अब इसको हम ग्लू से या फिर हमारे पास ये एक्रेलिक का होता है मैट मीडियम, इससे या ग्लू से हम जो है इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ठीक है
और भी मोटिव्स बना रहे हैं। ये जो हमने ऊपर लगाए हैं ना मोटिव्स, ये दो तीन मिला के लगाए हैं। ठीक है, ये भी आप दिखाएं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यास्मीन ने मुझे बताया है कि ये जो इस बॉटल पे जो काम हुआ हुआ है ना, दिस इज ओनली डन बाय हर, बिकॉज इस पे आपने क्या बताया था, पहले डेकोपैज है, फिर ऊपर रेजिन कोट है, इसके ऊपर रेजिन कोट है, एंड ये सब कुछ हैंडमेड है। इट इज अमेजिंग, कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपनी बॉटल्स को। आर्टिलिशियस के नाम से इनका पेज है, आप इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हैं। अच्छा, जो विंटेज थीम के घर होते हैं ना, उसके साथ मुझे लगता है बड़ा अच्छा जाएगा। हाँ, ये सब आते हैं, लोगों के ऑर्डर्स आते हैं कि हमें इस तरह का चाहिए, हमें शैबी शिक लुक चाहिए। Okay. और अपनी मैचिंग से बताते हैं हमें ये कलर चाहिए वो कलर, तो फिर वो अच्छा रहता है। हाँ, थीम बता देते हैं, कलर की लुक बता देते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में एंटीक को ना एक चीज माना जाता है, एंटीक शॉप्स होती है पूरी दुनिया में, बड़ी महंगी महंगी चीजें मिलती हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो। और हमारे यहाँ तो वैसे ही थैंक्स टू पोल्यूशन के हर चीज एंटीक हो जाती है, तो क्यों ना आप उसको अब साइकिल करके इस्तेमाल करें। इसका तरीका ये होता है, आपने इसको उल्टा किया फिर आपने आराम से निकाल लिया तो ईजिली आ जाता, टूटता नहीं है। अब ये और बात है मुझसे टूट जाए। हाँ, ये बड़े ध्यान से निकाल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्राइस रेंज क्या है, जैसे अगर मैं ये ऑर्डर करना चाहूँ तो ये मुझे क्या प्राइस? ये 2000 की। ठीक है, उसके बाद अलग है, मेरे पास 500 से लेके स्टार्ट होती है इस तरह। और जैसे अगर ये जो कार्ड होल्डर है, ये अगर ऑर्डर आप करना चाहें, कार्ड होल्डर ये 950 है। 950 है, दिस इज फॉर 2000। इस बॉक्स की क्या प्राइस होगी? इसकी है थोड़ी सी 3750 है। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसके पीछे लगाएंगे ग्लू लगा दें, या फिर ये आप एक्रेलिक का ये ग्लॉस या मैट फिनिशिंग का सही लगा के इसको स्टिक कर लेंगे। अच्छा, ये पेंट बड़ी आसानी से मेरे हाथ से हट गया वैसे। जी जी, खुशी हो रही है कि हट गया। अच्छे से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे जी, बस हमें जहाँ जहाँ रखना है हम अपने हिसाब से देख के। ठीक है, आप इसको आराम से जो है प्रेस कीजिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 21 और 22 जनवरी को मसाला फैमिली फेस्ट में आप आ सकते हैं, एक्सपो सेंटर में हो रहा है। मुझसे तमाम जितने भी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं 21 और 22 जनवरी को मसाला फैमिली फेस्टिवल कराची में हो रहा है इस बार। ओके, यहाँ मैं ये कह रही थी एक और चीज़ बता दूँ मैं, जैसे इस पे जो पेंट है ना ग्लास पे, वो हम ब्रश से भी कर सकते हैं, और वरना ये स्पंज से बहुत अच्छा रहता है। हमने स्पंज में इसमें डाला, अभी ये मैं बेस कर रही हूँ इसको। ठीक है जी, तो उसको फिर हम बस इस तरह यूं करेंगे, ब्रश से ये कि स्ट्रोक से हमें नजर आएंगे, तो इससे हम इस तरह स्ट्रोक से टेक्सचर आ रहा है। ठीक है, ये आपने खुद ही बनाया स्पंज से? ये स्पंज खुद ही आप तो मिलने लगे। अच्छा, ओके, मिलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका, थैंक यू सो मच। टाइम हमारा यहाँ पे होता है खत्म, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है वो आप पढ़ाती हैं लोगों को, ट्रेनिंग देती हैं? जी जी, घर पे मैं क्लासेस भी देती हूँ। ठीक है, और पेज ही से रब्ता कर सकते हैं आपसे? पेज पे नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, तो उससे कर सकते हैं। जबरदस्त, बस ये क्लास फिनिशिंग थी अगर आप चाहें इस पर। अब हम क्योंकि अभी बोल्ड वो लग रहा है, अब हम फिंगर से ये टच देंगे, ये देख लें फिंगर से जो टच दिया है उन्होंने गोल्ड वाला, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, मोटिव जो है भर के आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आर्टिलिशियस के नाम से इनका पेज है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में आदत बना लें थैंक यू कहने की। कोई भी आपके लिए कुछ भी करे ना, दरवाज़ा खुले, आपको कोई पानी पिलाए, कोई भी काम करे, कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं करता। जो आपके लिए कोई छोटी सी भी एक्ट करे, कोई छोटी सी नेकी करे, हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें, और कोई आपका शुक्रिया अदा करे तो उसको हमेशा बोलें यू आर वेलकम। हम जा रहे हैं आपसे इजाज़त चाहने, अब मिलेंगे नए शो के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।